इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स आके कहने लगा, या अली, हर जानवर के मुंह में जबान होती है, लेकिन मछली के मुंह में जबान क्यों नहीं, और मछली पानी में ही क्यों रहती है? बस ये कहना था। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अय शख्स, याद रखना, अल्लाह ने मछली के मुंह में जबान भी दी थी और उसको ये ताकत भी दी थी कि वो खुश्की पे चल सके, लेकिन अफसोस उसने खुद पे ही जुल्म किया। वो कहने लगा, या अली, कौन सा जुल्म? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब अल्लाह ने आदम में रूह को डाला और ये हुक्म दिया कि हर फरिश्ता इसको सजदा करे, शैतान इनकार कर बैठा। अल्लाह की नाफरमानी करके ये कहने लगा कि मैं आग से बना हूँ और ये तो मट्टी का बना है। तो यूं शैतान को अल्लाह ने अपनी दरबार से निकाल दिया। वो बदसूरत बनके जमीन पे जैसे गिरा, इंसान से हसद और नफरत के साथ चीखने लगा और हर किसी को बताने लगा कि इंसान इस जमीन पे जुल्म करेगा। ऐ शख्स, उस वक्त मछलियाँ जमीन पे भी चला करती थी और पानी में भी रहा करती थी, उसके मुंह में जबान भी हुआ करती थी। शैतान ने सबसे पहले मछलियों को भटकाया और ये कहा कि इंसान जब जमीन पे आएगा, वो अपना पेट भरने के लिए तुम्हें जिंदा अपने खंजर से काटेगा। मछली ने जब ये सुना तो वो समंदर में हर एक आबी मखलूकात को इंसान के खिलाफ करने लगी। तो यूं अल्लाह ने मछली के मुंह से जबान को गायब करके उसके मुंह में वबाल पैदा कर दिया और ये हुक्म नाफिज किया कि कोई भी इंसान तुम्हें जिंदा नहीं काटेगा, बल्कि तुम्हारी हद कुदरत ने पानी तक रख दी है। तुम जब पानी से जुदा होगी तो खुद ही तड़प के मरने लगोगी। तभी जब हिलाल मछली पानी से जुदा होती है तो वो तड़पने लगती है और उसके जिस्म का सारा खून उसके गले में आके जमा हो जाता है। इसीलिए मछली को ज़िबह नहीं किया जाता, क्योंकि ज़िबह करना इसलिए वाजिब है ताकि जानवर की रगों का सारा खून गोश्त से अलग होकर बह जाए। अल्लाह ने मछली पे ये कानून नाफिज कर दिया है कि वो जब पानी से जुदा होके तड़पती है तो मछली का सारा खून मछली के गले में आके जमा हो जाता है और यूं मछली का गोश्त खून से पाक हो जाता है। मछली का गोश्त खून से पाक हो जाता है। मछली का गोश्त खून से पाक हो जाता है।